हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास मदान है। इस वीडियो में हम सीखेंगे हम लाइनक्स में किसी भी यूज़र को डिसेबल कैसे कर सकते हैं। इस वक्त मैंने जो यूज़र बनाया है उसका नाम विकास है। अगर हम देखें इसको, यहाँ पे कैट स्पेस स्लैश etc स्लैश पासवर्ड फाइल में बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका लॉगिन है वो है स्लैश पिन और स्लैश बैश। और अगर हम इसको चेंज कर दें तो हमारा अकाउंट जो है विकास डिसेबल हो जाएगा। तो इसके लिए जो कमांड है वो है यूज़र मोड स्पेस माइनस एस स्पेस स्लैश एस बिन स्लैश नो लॉगिन, और यहाँ पर हम यूज़र का नाम देंगे जो हमें डिसेबल करना है। अब अगर हम यहाँ पर चेक करें सेम फाइल में, आप देखिए यहाँ पर जो पहले बैश और लॉगिन आ रहा था अब चेंज हो चुका है नो लॉगिन। और हम वैसे चेक करना चाहते हैं तो su करके हम कमांड चलाएंगे स्विच यूज़र। जैसे विकास करेंगे यह देखिए मैसेज आया, दिस अकाउंट इज करंटली नॉट अवेलेबल। इसका मतलब ये जो हमारा अकाउंट है ये डिसेबल हो चुका है। तो इस वीडियो में हमने सीखा हम यूज़र अकाउंट को कैसे डिसेबल कर सकते हैं, और अगर आप कोई नया यूज़र बनाते हैं उसको भी हम डिसेबल कर सकते हैं। उसके लिए कमांड है यूज़र एड माइनस एस स्पेस स्लैश एस बिन स्लैश नो लॉगिन स्पेस यूजर नेम विकास वन। अब अगर हम यहाँ पे su विकास वन करेंगे आप देखेंगे ये अकाउंट भी डिसेबल हो चुका है। थैंक यू।